सो हेलो गाइस, आपका अपने चैनल टेक्निकल अनुपम में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एयरटेल कस्टमर केयर के एजेंट से हम कैसे बात कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 2 मिनट्स लगेंगे। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, जिससे आप बहुत जल्दी से कॉल कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए और आप इस वीडियो को पूरा देखिए, नहीं तो आप को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने मोबाइल के डायल पैड में जाना है, वहाँ पे आपको 121 पे कॉल करना है। उसके बाद आप इस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम कस्टमर केयर के पास कैसे कॉल कर सकते हैं। मोबाइल सेवाओं के लिए एक दबाएं। इकतीस जुलाई 2019 आपका 199 रुपए का अनलिमिटेड पैक वैलिड है। आपके प्रीपेड मोबाइल का अकाउंट बैलेंस है 3 रुपए और 20 पैसे। अपने डेडिकेटेड अकाउंट का बैलेंस जानने के लिए एक दबाएं, अन्यथा 2 दबाएं। अपने नंबर पर वर्तमान कॉल दर का विवरण जानने के लिए 1 दबाएं। अपने तत्काल क्रेडिट से संबंधित जानकारी के लिए 2 दबाएं। अनलिमिटेड पैक और स्पेशल ऑफर के लिए 3 दबाएं। हेलो ट्यून, क्रिकेट और स्पोर्ट्स और अन्य वैल्यू एडेड सर्विसेज को शुरू करने या बंद करने के लिए 4 दबाएं। इंटरनेट यानी 4G 3G से संबंधित किसी भी जानकारी या सहायता के लिए 5 दबाएं। अब यदि आप इंटरनेट सेवा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, 1 दबाएं। अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा पैक के लिए 2 दबाएं। अपने हैंडसेट और सिम स्टेटस को चेक करने के लिए 3 दबाएं। अपने मोबाइल पर 3G व मोबाइल इंटरनेट की सेटिंग पाने के लिए 4 दबाएं। 4G या 3G जैसी डेटा सेवाओं को शुरू करने के लिए या अपना डेटा पैक बदलने के लिए 5 दबाएं। दोबारा सुनने के लिए 0 दबाएं। पिछली सूची के लिए 7 दबाएं। मुख्य सूची के लिए 8 दबाएं। हमारे कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट से बात करने के लिए 9 दबाएं। ध्यान दें, ये कॉल प्रत्येक 3 मिनट के लिए 50 पैसे की दर से चार्ज की जाएगी। अगर आपका कॉल 1-to-1 अधिकारी को ट्रांसफर करना है तो कृपया 1 दबाएं। मुख्य सूची के कृपया लाइन पर बने रहें। आपकी कॉल कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट को ट्रांसफर की जा रही है। ये कॉल सर्विस